वेलकम स्टूडेंट्स, आज मेरे चैनल माय लाइफ माय वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखते हैं 30 प्रश्न उत्तर, और आज हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन, पेपर वन के भाग तीन से। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न 61। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इसे अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, जॉर्ज मिस्टल, रोनाल्ड रोस। तो इसका आंसर होगा ये चार नंबर, रोनाल्ड रोस। अगला देखते हैं 62। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मियादी बुखार, अतिसार, हैजा, मलेरिया। तो कपकपी और बुखार यह मलेरिया का लक्षण होता है, तो वह मलेरिया से ग्रसित है। अगला हम देखते हैं 63। अल बरूनी कौन था? ऑप्शन एक, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो हमने ये पढ़ा है इतिहास में कि वह एक यात्री था अलबरूनी। अगला हम देखते हैं 64। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, ये प्रश्न हमने पहले भी देखा है कि यह प्रश्न बार बार दोहराया गया है, दूसरी बार हम ये प्रश्न देख रहे हैं। तो वो किस रंग में देखते हैं रात में जागने वाले जानवर? तो वो सिर्फ काली और सफ़ेद रंग में ही किसी भी चीज़ को देखते हैं। अगला देखते हैं 65। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथिनी और बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर एक से ज़्यादा जो उत्तर है वो सही है। तो इसमें हम देखते हैं हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो ये एक नंबर सही है, ये भी सही है, और दूसरा हम देखते हैं एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है, तो ये भी सही है। इसलिए जिसमें ए और सी है वही आंसर सही है, इसलिए दो नंबर सही है। अब हम देखते हैं 66। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं, जो हमने अपने लाइफ साइंस में ये पढ़ा है पहले भी कि उसे पराग कहते हैं। अगला देखते हैं 67। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने कि कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? तो अहमदाबाद की जो खाने की जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। दूसरा देखते हैं छोले भटूरे तथा लस्सी, ये तो पंजाब की डिश है। इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, ये साउथ का है। पूरी, साग तथा ठंडा दूध, तो ये भी नहीं होगा। तो जाहिर है कि ढोकला जो है वो अहमदाबाद की फेमस डिश है, इसलिए जिसमें जहाँ ढोकला है वो होगा एक नंबर। अगला देखते हैं 68। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है? उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंख छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपने गर्दन को बार बार इधर उधर हिलाते हैं सर को। 69 देखते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को
रोगी के आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसे क्या क्या खाना चाहिए। तब हमें ये देखना होगा कि किन किन चीज़ों में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में तो होती है, यहाँ भी दिया हुआ है, गेहूँ संतरा। तो आयरन, संतरा जो है उसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब से यहाँ हम देखते हैं आंवला में हरी पत्तेदार सब्जियाँ और गुड़, ये तीनों चीज़ें हेमोग्लोबिन की मात्रा को, कमी को पूरी करती है। अगला देखते हैं 70 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रमुख उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों को जो पर्यावरण का अध्ययन कराया जाता है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, दूसरा विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। इसका आंसर यही होगा कि कक्षा में जो पढ़ा, जो वो सीख रहे हैं उसे बाहर की दुनिया से और प्रैक्टिकल लाइफ से उसे जोड़ना, यही उद्देश्य होता है। अगला हम देखते हैं 71, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप जो नहीं है, तो उसे हम देखते हैं। पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, यह प्राथमिक स्तर की बात की गई है, इसलिए काम की दुनिया में प्रवेश के लिए ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर है। अगला देखते हैं 72, एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन एक, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो अधिक संख्या में प्रश्नों को शामिल करना ये नहीं होगा, तकनीकी शब्दावली की जरूरत नहीं है। तो एक और दो में से हम देखते हैं, एक होना चाहिए। तो विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या और दूसरा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध, तो अवसर उपलब्ध कराने के इस वर्ड के जरिए हम ये इस अपने डिसीजन पर पहुंच सकते हैं कि आंसर इसका 2 नंबर है। अगला हम देखते हैं 73, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। तो पहला देखते हैं विषय में रुचि का विकास, हमने पहले भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन का आंसर देखा था अपने पहले वीडियो में। तो ये रुचि का विकास करना ही कविताओं और कहानियों को बीच में शामिल करने का उद्देश्य होता है, इसलिए जो उद्देश्य नहीं है उसमें ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। हम अगला देखते हैं शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ये भी सटीक है इसलिए ये नहीं होगा। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये भी नहीं, इस तरह इसलिए ये है जो उद्देश्य नहीं है वो ये है, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। अगला हम देखते हैं 74, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों तो आवश्यक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो बार बार हमें क्वेश्चन को पढ़ना होगा, समझना होगा कि असल में पूछा क्या जा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। अगला हम देखते हैं 75, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। जानवर हमारे साथी,
इस विषय से परिचित कराना चाहती हूँ। पहला ऑप्शन हम देखते हैं विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखना। तो यहाँ हर जगह चित्र की बात कही है, इसमें भी चित्र और यहाँ पर भी चित्र। तो चित्र दिखाने से ज़्यादा उनके क्रियात्मक रूप को दिखाना उपयोगी होता है, इसलिए इसका आंसर ये 3 नंबर होगा। अगला हम देखते हैं 76। कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर या सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, तीसरा यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, और यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो यह जानने में सहायता करता है शिक्षक को कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगला देखते हैं 77। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। पहला, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, खाना जो हमें खाना चाहिए तो यहाँ पर अनिवार्य तत्व बताता है। तीसरा देखते हैं, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो सभी संभावित स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए बोलता है, इसलिए इसका आंसर ये 3 नंबर होगा। हम प्रश्न देखते हैं 78। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है, यहाँ हवा हवा जो हर जगह है उसके बारे में पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है, तो कौन सी उसकी योजना जो है वो सबसे प्रभावी है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पे ले जाना। हवा के बारे में क्षेत्र भ्रमण कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि हवा हर जगह है, इसलिए क्षेत्र भ्रमण जो है यह सबसे कमजोर तरीका होगा, इसलिए इसका आंसर हम देखते हैं कि 1 नंबर ही होगा। अगला हम देखते हैं 79। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, खुद करके करने का अनुभव उपलब्ध कराना है। दूसरा देखते हैं, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि वह उन्हें खुद करके देखना है, इसलिए उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव उपलब्ध कराना है। अगला हम देखते हैं 80 नंबर। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? असाइनमेंट जो दिया जाता है, पहला प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो जो कार्य उन्हें दिया जाए कि कार्य आपको करना है, असाइनमेंट दिया जाए, उसमें उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सीखने के विस्तार को बढ़ाना और उसके लिए अवसर उपलब्ध करना। अगला हम देखते हैं 81। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन हम देखते हैं, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो अधिगम, सक्रिय अधिगम सिखाना, इसलिए इसका आंसर 3 नंबर होगा।
अगला हम देखते हैं 82, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यह नहीं है, इसके बारे में पूछा गया तो हमें ध्यान देना है। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों का प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, या इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा या परिभाषा याद कराना उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर होगा, क्योंकि इसमें बोला गया कौन सा उद्देश्य नहीं है। इस तरह से ये तीनों पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य है ये तीनों, इसलिए यह चौथा आंसर होगा। अगला हम देखते हैं 83, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? पहला पढ़ते हैं हम ऑप्शन। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लेने के लिए कहना, और शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो इसमें सबसे सटीक जो आंसर है यही होगा, क्योंकि उन्हें सामूहिक रूप से जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण तैयार करने के लिए कहा गया है, इसलिए इसका आंसर 3 नंबर है। अगला हम देखते हैं 84, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। रचनात्मक आकलन किस चीज़ को शामिल नहीं करता, उसे हमें बताना है। पहला हम ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने के लिए, और शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो प्राथमिक स्तर पर यह नहीं होगा, शामिल नहीं करता, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर होगा। हम देखते हैं 85 नंबर प्रश्न, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेवार हैं? तो हम देखते हैं, सीरियली देखते हैं हम, जैसे गिरे हुए पत्तों, यानी इसके लिए जंगल कटना जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेवार नहीं है। ये जिम्मेवार नहीं है, ये नहीं है। बांस से टोकरी बुनना, इसमें भी जंगल कटने की कोई ज़रूरत नहीं है काटने की। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां जड़ी बूटी इकट्ठी करना, ये भी नहीं है। बांधों के निर्माण से जंगल को प्रभावित होते हैं, इसलिए ये होगा। खानों का उत्खनन और खुदाई से भी जंगल कटते हैं, इसलिए ए और बी है। तो जिसमें ए और बी है वो आंसर हम देखते हैं, ये 2 नंबर होगा। अगला हम देखते हैं 86, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ए, कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इसे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो हम देखते हैं इसका कौन सा इसमें सही होगा। कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, ये नहीं होगा। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये सही है। तीसरा देखते हैं हम, कांसा अत्यंत मजबूत होता है तथा इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, ये भी सही है। चौथा देखते हैं, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, हल्के नहीं होते हैं, इसलिए ये नहीं है, बी और सी है। तो जिसमें बी और सी, यानी 1 नंबर इसका आंसर सही है। अगला हम देखते हैं 87, गांधी धाम
जो गुजरात में है, का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होगी? तो गुजरात हम देखते हैं कि यह पश्चिम की तरफ है, तो पहले पूर्व दिशा में जाएगा वह व्यक्ति, क्योंकि मध्य प्रदेश जाने के लिए उसे पहले पूर्व दिशा की ओर जाना पड़ेगा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश जो दक्षिण की तरफ है, उसके बाद फिर उसे दक्षिण की तरफ जाना होगा। तो इस तरह हम देखते हैं, पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा में। तो गुजरात का व्यक्ति पहले मध्य भाग में जाएगा, मध्य दिशा जो उसके पूर्व पड़ेगी उसकी ओर से, क्योंकि गुजरात जो है वो पश्चिम में है। इस तरह से ये आंसर पहला सही होगा। अगला हम देखते हैं 88। किसी शहर के मानचित्र पर ये लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर होगा ये 1.65 किलोमीटर होगी। अगला देखते हैं 89। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, म्यांमार का। तो हम जानते हैं कि यह नेपाल का एक भाग है। अगला हम देखते हैं 90 नंबर प्रश्न। नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए करना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों को उपयुक्त में से चयन कीजिए। तो जो ग्रुप लीडर होगा उसमें कौन कौन सी विशेषताएँ होगी उसे हमें देखना है। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये ग्रुप लीडर की विशेषता हो सकती है। अगला हम देखते हैं, पूरे ग्रुप के आगे चलना तथा ताकि ग्रुप पीछे चल सके, ये एक ग्रुप लीडर की विशेषता नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए करना, ये भी नहीं होगा। चौथा देखते, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये एक लीडर की विशेषता होती है। रुकने और सामान आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी होगा। इसलिए जिसमें ए डी और ई है, यानी 4 नंबर इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे 30 प्रश्नों की श्रृंखला अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न उत्तरों के साथ हम आपसे मिलते हैं। तो आप CTET की तैयारी करते रहिए और मेरा वीडियो फॉलो करना ना भूलें, और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।